हैं कि नेक्स्ट जॉब हम राइट अब आप वहां आते हैं जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी एक स्किल है। आप खुद इंटरप्रेनर बनना चाह रहे हैं, खुद में अपने आप खुद के लिए काम करना चाह रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन इसके पॉइंट्स हैं, आप कॉपी पन लीजिए और पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अगर वो पॉइंट्स सूट करते हैं तभी बिजनेस कीजिए, नहीं तो बिजनेस में जो आपकी सेविंग्स हैं वो भी बंद कर देंगे। थोड़ा हार्श है बट फैक्ट है। कभी कभी आप कहेंगे कि नहीं, जो पॉइंट्स हैं वो आपसे मैच नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। कुछ नए लोग भी, नया ब्लड भी आता है और नए ब्लड के कुछ सक्सेसफुल वेंचर्स भी हैं अवेलेबल, जो अगर हम चेक करते हैं, यस दे आर, बट देन एनवायरमेंट कंडीशंस वार नॉट वर्स्ट। इस टाइम साइन वेव पूरा नीचे है, कर्व बिल्कुल डाउन है, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। फर्स्ट, हैव यू एवर डन द बिजनेस? कभी भी कोई बिजनेस किया छोटा बड़ा? इसके इस पॉइंट्स के मैं 20 नंबर लिखूंगा, 20 नंबर दूंगा। आप इसके अंदर चेक करें कि अगर आपने कोई बिजनेस किया है, अगर हाँ है तो उसके अंदर क्या हुआ? लॉस हो गया, आपने बिजनेस छोड़ दिया, जॉब में आ गए, प्रॉफिट हुआ, किसी को हैंडओवर कर दिया, ब्रदर को, पेरेंट्स को, सिस्टर को, किसी को दे दिया, आप जॉब में आ गए, कोई भी, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो अगर आपने बिजनेस किया है और वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ है तो 20 में से 20 नंबर दीजिए। अगर आपने बिजनेस किया है और वो लॉस में क्लोज हुआ है तो भी घबराइए मत, तो 10 नंबर दीजिए, क्योंकि आज आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। फेलियर नहीं है वो आपका, वो लर्निंग है, आपने लर्न किया है, उसमें पैसे लगाए हैं, वो जो बर्न किए मनी उससे लर्निंग आई होगी आपको। एंड थर्ड, आप कहते हैं मैंने बिजनेस नहीं किया, तो बिल्कुल आंख बंद करके इसको 0 नंबर दीजिए, 5-7 नंबर भी मत दीजिए, बिकॉज कंडीशंस आर अगेन COVID-19 की कंडीशंस हैं और किसी को नहीं मालूम है कितनी लंबी चलने वाली। राइट, नाउ द सेकंड इज कम्स, हैव यू एवर मैनेज्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द कंपनी? इसके 10 नंबर काउंट करूंगा मैं। कभी भी कंपनी के अंदर आपने P&L मैनेज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस? अगेन सेम प्रोसेस, किया है और वो प्रॉफिट में आप रख पाए, क्योंकि P&L कंपनी में मैनेज करना और अलग अपने बिजनेस में करने में काफी फर्क होता है, लेकिन हमें पता होता है कि हाउ टू मेक इट प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसमें हम कुछ आर्टिफिशियली भी प्रॉफिटेबल क्रिएट करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या आपने P&L मैनेज किया है? अगर किया है तो आप 10 में से 10 नंबर दीजिए, अगर वो प्रॉफिट में, और अगर लॉस में, अगेन इट इज अ लर्निंग, कोई इशू नहीं है, then you will give the 5. अगर आपने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज ही नहीं किया, then you give it, बिल्कुल frankly से 0 नंबर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज करना एक आर्ट है। एक कॉर्पोरेट में मैं इतने सीनियर बिजनेसमैन को जानता हूं जिन्होंने काफी अच्छा बिजनेस रन किया है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपसे शेयर कर रहा हूं, बट वो P&L मैनेज नहीं कर पाते थे कॉर्पोरेट, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हेड बने हुए हैं, आपको समझ आने चाहिए, वो समझना बहुत जरूरी है। राइट, तो अब ये 2 पॉइंट मेन हो गए, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हैव यू एवर फेस्ड गवर्नमेंट लायबिलिटीज डायरेक्टली? अगेन आई एम वर्ड यूजिंग डायरेक्टली, ये मत कहिए कि नहीं नहीं वो कंसल्टेंट था, उसको फोन कर देते थे, वो ही संभाल लेता। सर ये आपका, आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए सेल टैक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या कमियां होने पे कितने पैसे लग जाते हैं, फाइन कैसे लगता है, इनकम टैक्स क्या होता है, ROC क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राइट, ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। कभी ब्रांच खोलते हैं तो उस ब्रांच के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर ये प्रैक्टिकल है आपके पास बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तो इशू है, इसमें भी आप 10 नंबर दीजिए, और अगर ये काम आपने किसी के थ्रू कराया है तो इसमें 3 या 4 नंबर दीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ नॉलेज फिर भी होगी आपके पास। कभी कभी आप क्वेश्चन आंसर करते होंगे, 0 नहीं दीजिए,
अगर आपने किसी से भी नहीं कराया, गलती से आप कॉर्पोरेट में ऐसी पोजीशन पे थे, ना तो आपने कभी सीए से डायरेक्टली बात की, ना ही लीगल कंसल्टेंट से बात की, ना ही कोई केसेस के लिए कोई डिस्कशन हुआ, ना ही आपने सेल टैक्स आरओसी में, आप सिर्फ अकाउंटेंट ने जो बोल दिया उसी को फॉलो किया, देन यू विल गिव इट फ्रैंकली जीरो नंबर, राइट। सो चार पॉइंट हमारे, तीन पॉइंट हो गए हैं, चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं।